दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बीगो लाइव अकाउंट में कोई एप्लीकेशन जैसे पीके गेम आ गया नया, या फिर अपना यूट्यूब हो गया, या फिर कोई वीडियो प्ले करनी है, कोई गेम खेलना है, तो ये हम कैसे प्ले करें। इस चीज़ को लेके बार बार कमेंट आते हैं और बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं, उनको ये चीज़ जो सेटिंग्स होती हैं प्ले करने की उसमें कन्फ्यूज़न आ जाती है, तो उसी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ भी प्ले करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पांचों जो नीचे बटन बने हुए हैं इनमें से हमें सेंटर वाले को प्रेस करके ऑनलाइन होना है, ठीक है। उसके लिए कौन सा बटन होता है, ये देखिए, ये वाला दोस्तों, ये वाला मैंने मार्क कर दिया। इस बटन को हम प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही आप देखेंगे कि ये हमसे अलग अलग ऑप्शंस पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो होता है ये ऑनलाइन होने के लिए है, ये देखिए नीचे यहाँ पे लाइव होने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। जो सेकंड है ये मल्टीपल गेस्ट लाइव अगर होना है, इसमें आप 4 जने 6 जने या 9 जने जैसे भी आपको सेटिंग करनी है आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये नया ऑप्शन शुरू हो गया है, ये सिर्फ ऑडियो के हिसाब से आप ऑनलाइन होंगे, सिर्फ आपकी आवाज़ वहाँ पर जाएगी और कुछ नहीं रहेगा, आप ऑफलाइन रहेंगे, वीडियो आपकी नहीं जाएगी, कुछ भी आपको प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जो ये चौथा ऑप्शन है गेम का, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सभी कुछ प्ले होगा जो भी आप प्ले करना चाहते हैं। अब जैसे कुछ भाइयों का कमेंट था और वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे गेम के साथ में हम अपना फेस कैसे लेकर आएँ, जैसे फ्रंट कैमरा जो होता है वो हम कैसे प्ले कर लें। तो दोस्तों, फ्रंट कैमरा अगर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ कंप्यूटर में ऑनलाइन होना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर दो ऑप्शन बने हैं मोबाइल और लैपटॉप का, उसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें ये वाला मोबाइल के लिए है और ये वाला कंप्यूटर के लिए है या लैपटॉप के लिए। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे ऑनलाइन होते हैं तो आप फ्रंट कैमरा को प्ले कर सकते हैं और उससे गेम खेलते खेलते आपकी वीडियो भी गेम में आ जाएगी। लेकिन अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन होते हैं तब ये ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ जो टाइटल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप टाइटल लिख दीजिए अपना, ठीक है दोस्तों। अब ये जो आपको याद रखना है कि इस ऑप्शन में हम आके यहाँ पे निकाले थे, अब जो ये वाला बटन है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जहाँ से द अमेजिंग स्पाइडरमैन का मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे गेम हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि चाहे पीके गेम हो गया या यूट्यूब हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, वो है तो एक एप्लीकेशन ही, मतलब सेम तरह का है। आपको ध्यान में सिर्फ ये चीज़ रखना है कि जो आप प्ले करना चाहते हैं वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने पीके गेम खेलना है तो पीके आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में पीके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये इतना मैटर नहीं करता। सेम यूट्यूब का, यूट्यूब आपके फ़ोन में होना चाहिए डाउनलोड करके, और यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन कि नहीं मिल रहा है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें से हम चाहे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन होने के बाद ये जो बीगो का है एप्लीकेशन, ये हमारे स्क्रीन को दिखाना शुरू कर देगा, बीगो लाइव पे हमारे स्क्रीन को ऑनलाइन कर देगा। स्क्रीन पे हमारे जो भी एक्टिविटी चल रही है उसी को वो ऑनलाइन कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने पीके गेम सेलेक्ट किया और कोई और क्यों खेल रहे हैं, या फिर यूट्यूब सेलेक्ट करके आप कोई और वीडियो क्यों देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लें जो आपको प्ले करना है, या फिर जो आपके मोबाइल में अवेलेबल है वो आप खेल सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। अब रही बात कि हम ये सारा कुछ एक्चुअल में कैसे करके देखें और स्क्रीन पे कैसे आता है, ये देखिए। जैसे अब मान लीजिए वीडियो हमें प्ले करना है, कोई भी वीडियो मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया तो एक लिंक आ जाएगा, इसको क्लिक करते ही देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन है, सॉरी ये वाला ऑप्शन है। अगर इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो एक लिंक सा क्रिएट होगा जिसको हम व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या फिर किसी भी जीमेल के थ्रू हम अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, ताकि वो हमारे व्यूअर बन के यहाँ पर कलेक्ट हो जाएं और वो भी देखें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो मेन ऑप्शन है आइज़ वाला, ये वाला जिसको मैं समझाने जा रहा था, इससे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आइज़ बंद, आइज़ बंद का मतलब हो गया कि अब हमारा स्क्रीन नहीं दिखा रहा, जो भी व्यूवर हैं 62 व्यूवर्स हैं इनको नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा।
अब ऐसी इसी टाइम का मौका इसी मौके का ना फ़ायदा उठा के हम लोग क्या करेंगे कि अपना स्क्रीन ऐसे बैक करके जो भी वीडियो आपको प्ले करनी है, चाहे यूट्यूब चलाना है, कोई गेम खेलना है, आप वो वाला सेलेक्ट कर लें जो आपके मोबाइल में अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे कर लें। अब आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ से कि हमें ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, फिर सारे मिनिमाइज होके यहाँ से हमने क्या करना है, फिर ये आइस का जो बटन बना हुआ है ना इसको दबा देना है। इसको दबाते ही स्क्रीन की फिर से जैसे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, मतलब कि स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगा जो व्यूवर्स हैं उनको, और आप जो भी गेम या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं ऑनलाइन वो सभी लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो बस इतना सा कंसेप्ट है इसमें। आई होप इस वीडियो में ऐसे करके आपको ये सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं होता प्लीज़ नीचे कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।